हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर वी ऑटो मोबाइल पर। तो गाइस, आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ हमारे इलाके के टीवीएस शोरूम पे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो है टीवीएस अपाची 200 एंड इसकी जो है आज हम लोग की 5th सर्विस होने वाली है, जो कि फ्री सर्विस होती है। वैसे फ्री तो क्या ही कहना, मतलब फिर भी चार्ज लेती है बट सर्विसिंग चार्ज वगैरह नहीं लेती है। तो इसकी जो है लास्ट और 5th सर्विसिंग है, जो कि फ्री सर्विसिंग है। तो आज हम इसकी सर्विसिंग करवाएंगे एंड इसके बाद आप लोगों को इसकी बताएंगे कि क्या कुछ सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह आया है। एंड गाड़ी की हालत तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा डस्ट है ना, क्या ही कहे भाई साहब, दो चार शैम्पू तो इसमें लग ही जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इसका 5th सर्विस एंड इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसका क्या कुछ कॉस्ट आया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी जो है हमारी बाइक आई है वॉशिंग पे, यहाँ पर वॉशिंग सेंटर पे आ चुकी है हमारी बाइक एंड अभी जो है बाइक को वॉश किया जाएगा एंड इसके बाद फिर जो है बाइक की सर्विसिंग प्रोसेस को जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारी जो बाइक है वो कितना किलोमीटर तक चली हुई है। तो हमारी जो बाइक है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 7008 किलोमीटर तक चल चुकी है। हाँ, 7008 किलो। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing loud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f- mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna f- with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. जो कि यहाँ पर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन रखा गया है, जिससे कि बाइक की जो है चेन क्लीन होती है। इससे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक जो है क्लीन हो जाती है, एंड बाइक की जो चेन है वो काफ़ी सही तरीके से जो है इसमें क्लीन हो जाती है। एंड सामने के साइड पे जो है यहाँ पर इस शोरूम में जो है एक हवा डालने के लिए भी मशीन रखा गया है, जो कि ये है, हवा जो है इससे डालता है, जो कि नाइट्रोजन हवा है। तो ये फैसिलिटीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, जो कि यहाँ पर जो है प्रॉपर मशीन्स वगैरह रखी हुई है हवा डालने के लिए एंड उसमें जो है चेन क्लीन करने के लिए। तो अभी जो है हमारी बाइक का हेडलैम्प का पोर्शन को खोला गया है, बिकॉज़ कि इसका जो इंडिकेटर है उसको चेक करने के लिए। बट मिस्त्री जी ने अभी चेक किया तो इनका जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, वायर में कुछ भी परेशानी नहीं हुई है। एंड चेक किया गया तो इसका जो बल्ब है वही फ्यूज़ है, सामने का दोनों वाला ही बल्ब जो है फ्यूज़ है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ,
तो ये है वो वॉल जो कि सामने का दोनों ही वॉल जो फ्यूज हो गया। अब देखते हैं क्या करना है, अगर बॉल मिलता है तो लगवाएंगे, वरना फिर इसी को अभी इंस्टॉल करवा के रख देंगे, बाद में फिर कभी इसका जो है बॉल को चेंज करवाएंगे। जो है हमारी बाइक का जो है यहाँ का एयर फिल्टर को खोला गया था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा बाइक का एयर फिल्टर। तो ये रहा अपना बाइक का जो एयर फिल्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट काफ़ी ज़्यादा गंदा घुस गया है, जो कि मैकेनिक बता रहे हैं कि इसको न्यू लगा लीजिए, अगर इसी को साफ़ करके लगाएंगे तो फिर माइलेज बाइक जो है उतनी नहीं दे पाएगी। तो इस वजह से जो है अपनी बाइक में जो है न्यू एयर फिल्टर को लगाया गया है। जिसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है यहाँ पर 246 रुपीज़ है इसकी प्राइस है, जो कि न्यू वाला एयर फिल्टर इस बाइक में इंस्टॉल किया गया है, एंड ओल्ड वाला जो एयर फिल्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। और फिर इसका बाइक का जो है हम लोगों ने इंडिकेटर को चेक किया तो इसका बल्ब जो है फ्यूज है, एंड यहाँ पर शोरूम में सिर्फ और सिर्फ बल्ब नहीं मिलता है, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इंडिकेटर मिलता है। तो हमें जो है आफ्टर मार्केट कहीं पे देखना होगा, इसका जो इंडिकेटर का बल्ब है वो हम लोग को आफ्टर मार्केट ही लगवाना होगा। बाइक का जो है यहाँ पर सर्विसिंग हो चुका है, तो देखते हैं मैकेनिक से कि हमारी बाइक में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। एमडी मोहम्मद मोइन। मोहम्मद, इस बाइक में जो है पाँचवा सर्विस में क्या क्या किए? पाँचवा सर्विस में किए, आगे पीछे चक्का हुआ, एयर फिल्टर स्पार्क प्लग चेंज हुआ, मोबिल मोबाइल फिल्टर चेंज हुआ, ब्रेक क्लच एडजस्टिंग हुआ, और एयर निकालने आगे पीछे ब्रेक का, ठीक है। उसके बाद जनरल चेकअप जो हुआ देख लिया हूँ सर। हाँ हुआ ना? हाँ सब, जितना भी चेकअप था नट बोल्ट सब चेक कर लिए, सस्पेंशन का सब चक्का उक्का। तो आप लोगों ने जान लिया कि बाइक में क्या कुछ चेकअप किया जाता है, वो सारा चीज़ हो गया है, जो भी जनरल चेकअप होता है वो सारा चीज़ हो गया है। तो अब हम लोग बाइक को लेकर जाते हैं बिलिंग करवाने, एंड इसके बाद फिर आपको कॉस्ट बताते हैं कि इस बाइक का कॉस्ट क्या हुआ है। एंड यहाँ पर जो एक छोटा सा चाय ब्रेक भी लिया गया है, तो शोरूम से हमें चाय मिला है, चाय पीते हैं, एंड इसके बाद फिर बिलिंग वगैरह कराते हैं, एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। जो है अपनी बाइक में जो है यहाँ पर एयर डाला जा रहा है, बाइक के जो दोनों टायर है उसमें जो है एयर को भी डाला जा रहा है, हवा डाला जा रहा है, एंड पीछे आई थिंक 40 मैं डलवा रहा हूँ, एंड आगे जो है ऑलमोस्ट 30 डलवा रहा हूँ। तो 40 और 30 जो है मैकेनिक बता रहे हैं कि अगर डुअल लोडिंग में चलते हैं तो पीछे 40 एंड सामने जो है 30। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अपनी बाइक की जो है हम लोगों ने टेस्ट राइड लेके आ गया, एंड अभी जो है बाइक की पॉलिश किया जा रहा है। बाइक को पॉलिश करने के बाद जो है अभी तुरंत बिलिंग करवाते हैं, यहाँ पर बिलिंग काउंटर है। इस बाइक की जो है सर्विसिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सर्विसिंग जो है इस बाइक की 5th सर्विस हो गई है। अभी करवाते हैं बाइक को पॉलिश, एंड इसके बाद फिर हम लोग करवाते हैं बाइक का बिलिंग। सो गाइस, बाइक की जो है 5th सर्विस हो चुकी है, जो कि यहाँ पर है अपनी बाइक, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा चमक गई है बाइक, एंड 5th सर्विस की जो बिल है वो मेरे पास है, एंड मुझसे जो है यहाँ पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हमारी जो टोटल बिल है वो दोस्तों आई है 1418 रुपये, देख सकते हैं 1418 रुपये जो है हमारी इस बाइक की 5th सर्विस की जो है बिल आई है। और इतना ज़्यादा क्यों आया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और आप भी ऐसा मिस्टेक ना करें उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं 42 रुपीज़ जो यहाँ पर लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों इंजन फिल्टर के लिए, इंजन में जो एक फ़िल्टर लगता है उसके लिए यहाँ पर लिया गया, ऑयल फिल्टर जिसे कहा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर 251 रुपीज़ लिया गया है, जो कि एयर फिल्टर के लिए लिया गया है। उसके नीचे जो है हमें एक चेन स्प्रे दिया गया था, बाइक में जो है चेन स्प्रे मारा गया था, उसका जो है 545 रुपीज़ है। इसके बाद 785 रुपीज़ जो लिया गया है वो लिया गया है दोस्तों इंजन ऑयल का। फिर बाइक का जो है यहाँ पर चेन क्लीन किया गया है, जिसका प्राइस जो है 499 रुपीज़ पड़ा है। एंड ये लास्ट में जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 118 रुपये जो लिया गया है, ये किस चीज़ का लिया गया है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरी जो बाइक है दोस्तों वो 24 तारीख को लिया गया था, 24 मार्च 2021 को, और आज का जो डेट है दोस्तों वो है 29 मार्च 2022, जो कि 24 मार्च को अगर मैं इसका सर्विसिंग करवाता तो मेरा जो है 5th सर्विस जो है फ्री में हो जाता, बट यहाँ पर 5-6 दिन एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर पे करना पड़ा, जो कि 118 रुपया है, जो कि मुझे 1418 का टोटल बिल पड़ा है। तो आप लोग भी ऐसा मिस्टेक कभी ना करें कि अगर आपकी जो बाइक है उसकी सर्विसिंग होने वाली है लास्ट सर्विंग, तो आप लोग डेट से पहले जो है बाइक की सर्विसिंग करा लें। उससे क्या होगा कि दोस्तों आपकी बाइक की जो है एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को नहीं पे करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी बाइक की जो है 5th सर्विस हो गई है फाइनली, एंड उसकी बिलिंग वगैरह भी दिखा दिया है, एंड अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने दोस्तों बाइक से